Welcome to my channel, Study the Articles by Mary. आज मैं जो आर्टिकल लेके आई हूँ वो है डेल्टा टू वाई नेटवर्क. बेसिकली डेल्टा टू वाई नेटवर्क इस तरह के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स होते हैं जो इस तरह ट्रायंगुलर में बने होते हैं. इनमें ना तो सीरीज़ का कोई कॉम्बिनेशन लग सकता है और ना ही कोई पैरेलल का लग सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये हम इन्हें ना सीरीज़ कह सकते हैं ना पैरेलल कह सकते हैं. ओके, तो इनको पहले हम अपनी आसानी के लिए इस तरह वाई नेटवर्क में कन्वर्ट करते हैं. और इसकी कन्वर्जन के लिए कुछ फार्मूलाज हैं. डेल्टा टू वाई कन्वर्ट करने के डेल्टा टू वाई कन्वर्ट के लिए ये फार्मूलाज हैं तीन, और वाई टू डेल्टा करने के लिए ये फार्मूलाज हैं. ठीक है जी. अच्छा जी, ये वाई नेटवर्क है, ये डेल्टा नेटवर्क है. ठीक है जी, ये डेल्टा नेटवर्क है, ये वाई नेटवर्क है. अच्छा चलिए जी, हम अब लर्निंग असेसमेंट्स में इन तीनों जो है फार्मूलाज उनको एम्प्लॉय करके देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास किस तरह से होता है. पहले हम चलते हैं E2.24 की तरफ. अगर आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो है हम अभी पहली वाली कर रहे हैं ना, तो ये देखें जी, ये वाला है नेटवर्क. सही है. अब इसमें हमें देखा जाए तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक ये डेल्टा नज़र आ रहा है, हम इसको वाई में कन्वर्ट कर लेंगे. सही है, ये है जी डेल्टा, हम इसे करेंगे वाई में. चलिए देखिए जी, हम आपको बताते हैं कैसे अब हम करेंगे इसको वाई में. उन्हीं तीन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम ये वाले फार्मूलाज यूज़ करेंगे और इनको हम यहाँ पे एम्प्लॉय करके लगाएंगे ताकि हमारा ये वाई नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाए. चलें जी. अच्छा, सबसे पहले हम ये फैसला कर लेंगे कि इनमें से R1, R2, R3 कौन सा है. ये वाला R1 होता है, ये वाला R2 होता है जो इस साइड पे होता है, और ये R3 होता है. अगर हम इसको कंपेयर करके देखें तो यहाँ पे R1, R2, R3 की हमें जो वैल्यूज़ मिल रही हैं वो क्या हैं. चले मैं पहले R1, R2, R3 लिख लेती हूँ ताकि हमें इवेलुएट करने में आसानी हो जाए. ठीक है जी, R1 हमारा है 54 किलो ओम. R1 is 54 किलो ओम. R2 is किलो ओम. R2 is 36 किलो ओम. 36 किलो ओम. R3 है हमारा, है 18 किलो ओम. हाँ जी, 18 किलो ओम है. अब हम ये तीनों वैल्यूज़, ये जो R1, R2, R3 है, ये डेल्टा नेटवर्क से Y में करना है. तो चलें जी, मैं आपको साथ साथ ये फार्मूलाज भी बताती जाती हूँ. इस फर्स्ट फार्मूला को एम्प्लॉय करें, ये RA यानी कि ये वाली वैल्यू, इसको कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला है. तो हम इसमें R1, R2 और ये तीनों ऐड कर लें. वो किस तरह करेंगे चले आए मैं आपको बताती हूँ. अब हम इनमें वैल्यूज इस तरह पुट करेंगे ताकि हमें पता चलता जाए कि हम क्या फाइंड करें. RA, ओके, RA का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, R1 R2 यानी कि 54 मल्टीप्लाई बाय 36, और नीचे डिवाइड में हमने इन तीनों को ऐड किया है, इन तीनों को ऐड किए, यानी कि 54 प्लस 136 प्लस 18. ठीक है जी, ये काम तो सेम है तीनों में, आर बी में भी आर सी में भी, फर्क सिर्फ न्यूमरेटर का आता है. तो इससे हमें मिल रहा है आंसर 18 किलो ओम, यानी कि आर ए की जो हमारी वैल्यू है वो 18 किलो ओम है. सही है जी. इसी तरह नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं RB. RB की वैल्यू हमारी क्या है, RB वो हम सिमिलरली वैल्यूज इसी तरह पुट करेंगे, वो किस तरह आएगा, 36 मल्टीप्लाई बाय 18. ठीक है जी,
और साथ ही साथ में डिवाइडेड बाय इन तीनों का सम वही 108 सही हो गया। इसी तरह आर सी भी लिख ही लेते हैं, आई की दफा आंसर एवेलुएट कर लेंगे हम लोग। आर सी इज इक्वल टू, अच्छा जी यहाँ पे हमने अब क्या करना है, अब ज़रा वैल्यू चेंज हो गई है, मतलब 54 मल्टीप्लाई बाय 18 दैट इज आर वन आर थ्री मल्टीप्लाई बाय 18 ठीक है जी। अब हम इसको डिवाइडेड बाय 108 उसी तरह करेंगे जिस तरह हम कर रहे थे। तो आप देखें कि वैल्यूज आपके पास क्या आती हैं, वैल्यूज आपके पास आएंगी 18 किलो ओहम आता है पहले में, दूसरे में 6 किलो ओहम आ रहा है आंसर, और तीसरे में आ रहा है 9 किलो ओहम। अब हम चलिए जी इसको ज़रा डायग्राम को दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं एक वाई नेटवर्क में कन्वर्ट। अब हमारा हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, इसी तरह का एक नेटवर्क बनाएंगे, ये वाई नेटवर्क में बना रही हूँ, थोड़ा सा सस्ता हो गया, इट्स ओके। अच्छा जी यहाँ पे हम दोबारा ये वाला बना लेते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो गया था, ओके। अब हमने जो वैल्यूज निकाली हैं आर ए की क्या निकाली है, आर ए यहाँ पे है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 18 किलो ओहम, यहाँ पे हम आर बी है, आर सी है, आर सी की हमने क्या वैल्यू निकाली है 9 किलो ओहम, और आर बी की वैल्यू हमने क्या निकाली है 6 किलो ओहम, ये बन गया। अब देखें जी दोबारा ज़रा बड़ा गौर से इस चीज़ को देखें कि अब तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, किसको किया, सबसे पहले इस ऊपर वाले को किया। अब इस ऊपर वाले की जगह हमने एक वायर नेटवर्क ड्रॉ करना है और बाकी का सारा सर्किट एज इट इज़ उसी के साथ ज्वाइन कर देना। चलें इसको जो डेल्टा था उसको हमने कंसीडर कर लिया है, अब हम दोबारा से इसके साथ बाकी का सर्किट ज्वाइन कर देते हैं, जो क्या था पीछे यहाँ पर था 6 किलो ओहम, यहाँ पर 6 किलो ओहम था, ये नीचे जो एक बना हुआ था ट्रायंगल वो क्या था 3 किलो ओहम, और यहाँ पे क्या बना हुआ था, ये देखिए यहाँ पर बना हुआ था 3 किलो ओहम, यहाँ पर बना हुआ था 6 किलो ओहम, और यहाँ पर बना हुआ था 18 किलो ओहम ठीक है। अब हम आराम से अपने पैरेलल सीरीज वाले रिलेशंस लगा कर आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि पहले तो हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन सा जो है वो पैरेलल में है और कौन सा जो है वो सीरीज में है ठीक है, यहाँ पे 2 भी था। अब हम क्या करते हैं, चलें जी ये वाला 2 आपको सीरीज में नज़र आ रहे हैं, ये और ये आपको नज़र आ रहे हैं सीरीज में, ये 2 भी सीरीज में नज़र आ रहे हैं, ये 3 किलो और 9 किलो हम ये भी सीरीज में हो गए, वो दोनों जो आंसर आएगा वो दोनों आपस में पैरेलल होंगे ठीक है जी। मीन्स के चले मैं थोड़ा सा रीड्रॉ करके आपको दिखा देती हूँ ताकि आसानी से आप समझ लें कि ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। ओके अब नेक्स्ट ज़रा चलते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट डायग्राम यहाँ बना देती हूँ। हाँ जी क्या थी हमारी डायग्राम, क्या बन रही है 6 किलो ओहम 18 किलो ओहम, ये यूं और ये यूं, इन दोनों का सीरीज किया और इन दोनों का सीरीज किया, तो वो हमारे पास क्या आई चीज़, यहाँ पे आ गया 12, 9 प्लस 3 12, 6 प्लस 18 24 ठीक हो गया। अब ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, ऊपर तो अभी 18 उसी तरह हमने लिखा हुआ है और यहाँ पर 6 भी इसी तरह लिखा हुआ है, नीचे से जाएं तो यहाँ से 2 भी इसी तरह चल रहा है साथ ही ठीक है जी, यहाँ से 2 भी ऐसे ही चल रहा है। अब हम इन दोनों का पैरेलल निकालेंगे, किन दोनों का, ये इन दोनों का पैरेलल 24 और 12 का, फिर हम इसको रीड्रॉ करेंगे ये 18, और अब जो इन दोनों का पैरेलल आएगा वो भी इसी तरह होगा और फिर ये 2 होगा, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 18 किलो हम वही साथ है, और साथ ही साथ इन दोनों का पैरेलल करें तो 8 आएगा और यहाँ पे है 2।
अब इंसानों को आपने सीरीज में लिख लेना, तो आपके पास जो आर थेवेनिन आएगी, थेवेनिन मींस सॉरी आर टोटल आएगी 34 किलो ओम, जो कि हमारा आंसर था। ठीक है जी, ये सारे सीरीज में हैं, ये भी ये भी ये भी और ये भी, आप इनको ऐड कर लें तो ये सारे सीरीज में हैं और आपके पास आंसर आता 38 किलो ओम। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट वाली के ऊपर, वो कैसे हुई है। क्वेश्चन में ये देखें, यहाँ पर ये डेल्टा नेटवर्क बन रहा है, अगर आप इसे थोड़ा सा रीड्रॉ करें तो एक ट्रायंगल ही बनता है, लेकिन यहाँ पे एक काम ये है कि हमें आर टोटल नहीं वी नॉट फाइंड करना है। यही इसको पहले, ये डेल्टा नेटवर्क है, इसको पहले हम करेंगे वाई में, क्योंकि सबसे पहले मेन काम इसमें होता है कि डेल्टा को आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई वो है क्या। चलिए जी, सबसे पहले अब हम करेंगे डेल्टा टू वाई कन्वर्ट। उसी तरह मैं डायरेक्ट फार्मूलाज लिख रही हूँ, पुट करके वैल्यूज आप भी साथ साथ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मुझे डायरेक्ट लिखना चाहिए क्योंकि अब आपको मैंने फार्मूलाज बता दिए हैं। तो इसमें आर ए की वैल्यू अगर आप उस वाले फार्मूला में पुट करेंगे तो आएगी 4 किलो ओम। सिमिलरली आर बी की वैल्यू भी 4 किलो ओम आएगी। ठीक है जी, ये आर बी की वैल्यू भी 4 किलो ओम आएगी, आर सी की वैल्यू भी 4 किलो ओम आएगी। ठीक है, 4 किलो ओम आर सी। ठीक है जी, ये आर सी की वैल्यू भी है 4 किलो ओम। अब हम इसको उसी तरह अपने लिए डेल्टा नेटवर्क बनाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे बाकी के सर्किट के साथ। ठीक है जी, तो ये कैसे बनेगा नेटवर्क मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, अब ये नेटवर्क बन चुका है हमारा, डेल्टा नेटवर्क से वाई नेटवर्क से बना लिया है। अब हम इसको कर लेंगे यूं, ये रेजिस्टर, ये हमारा वाई नेटवर्क, और साथ ही साथ हमने इसके बाकी का जो सारा हमारा नेटवर्क था वो कनेक्ट किया, और इसके अक्रॉस, इस वाले रजिस्टर के अक्रॉस वी नॉट था, जो कि अभी हमने फाइंड करना है। सही है, वो हमने अभी नहीं फाइंड किया। बाकी का मैं सारा कनेक्ट कर देती हूँ इसके साथ ही। ये यू था, यू है, ये यू है, ये यू, साथ में इस कर दिया, ये सारा सही। अच्छा, अब मैं यूज़ कर रही हूँ करंट डिवीज़न रूल, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ से जो करंट आ रहा है वो यहाँ भी डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी डिवाइड हो रहा है, तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ करंट डिवीज़न रूल। हमें चाहिए इसके क्रॉस करंट, तो हम इसके सामने वाला एलिमेंट पैरेलल ले लेंगे, डिवाइडेड बाय 24, और इसको सोर्स करंट आ रहा है 4 मिली एम्पेयर। ठीक है जी, 4 मिली एम्पेयर सोर्स करंट आ रहा है इसके साथ। ठीक है, और साथ इसका आंसर आ रहा है 2 मिली एम्पेयर। ये हमारा आई आ रहा है 2
मिली एम्पेयर। अब तो मैंने करंट तो निकाल लिया, ठीक हो गया। अब मैं इसको जो अब मुझे पता चल गया है यहाँ से जाने वाला करंट जो है वो 2 मिली एम्पेयर है, उसको मैं 24 से यानी कि V इक्वल टू आई आर से करके 2 × 12 करूँगी तो 24 वोल्ट मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इस V नॉट की, सही है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर देखा जाए तो हाँ, ये देखो मैंने आपको बता दिया है ये डेल्टा नेटवर्क है, इसको वाई में कन्वर्ट करेंगे और बाकी के सारे स्टेप्स वही होंगे। चलें जी फिर करते हैं। अब मैं इसी इन्हीं तीनों को वाई नेटवर्क में ड्रॉ करने लगी हूँ और बाकी के सारे नेटवर्क के साथ अटैच करूँगी। हमें फाइंड करना है ये आई वन जो कि यहाँ अपवर्ड इसकी डायरेक्शंस जा रही हैं, तो हम क्या करेंगे, सी डी आर लगाएंगे, वही करंट डिवीजन रूल। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इनको रिजॉल्व कर लेंगे, वो इस तरह के ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, वो दोबारा से हम कर लेंगे ताकि सी डी आर लगाने में आसानी हो। बस अगर आप ना भी लगाएं तो डायरेक्ट भी हो सकता है, हो जाएगा बल्कि। देखिए 6 + 6 = 12 और 6 × 12 = 18 और करंट हमें ये जा रहा है इसमें से हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमें करंट चाहिए 18 kΩ यानी कि इस सारे में से, इस सारे यानी कि ये दोनों सीरीज में ज़ाहिर बात है इनका 18 बनता है, तो हमें 18 kΩ के थ्रू करंट चाहिए, तो हम 12 जो है वो ऊपर लिखेंगे सी डी आर में और नीचे लिखेंगे हम जी 18 + 12 और सोर्स करंट आ रहा है -3, अपवर्ड है ना, -3 मिली एम्पीयर, ठीक है। और ये साथ ही में हमारा I1 आया, क्या आया हमारा I1, हमारा I1 आया -1.2 mA। एक्चुअली इसलिए आता है क्योंकि हमने किलो ओहम जो है उसको लिया हुआ होता है, तो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करती क्योंकि सारों के साथ किलो ओहम ही है, तो फिर इसलिए मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है यार इसी के साथ ये चलता रहे। तो ये हमारा करंट आ गया और यही हमने फाइंड करना था, जैसा आप देख सकते हैं इसके आंसर्स में जो हमने कर लिया है। सो मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें और अपने फ्रेंड्स और सर्कल में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।